अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो दोस्तों दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तख्तान बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और ईरान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 31 साल के बाद इस हदूद में दोबारा दाखिल हुआ। कुछ भी याद नहीं है, कुछ उस तरह का नहीं है। तो पीछे आपके जो है ना ये झंडा नज़र आ रहा होगा ईरान का, ये सबसे बड़ी निशानी है यहाँ पे जो है ना दाखिल होने की। तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला मैं बहुत खुश हूँ कि आज ईरान आ चुका हूँ। तो अब हमारा और भी सफ़र बाकी है, फिर हमने मशहद जाना है मौलाना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो ना रोज़े पे इंशाल्लाह, वहाँ दाखिल होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं कुछ ही देर में जी। दोस्तों तो आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं चैनल में अपने में। तो हम हैर से तफ्तान से चले हैं, तकरीबन 2 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं जायदान आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देर स्टे होगा, खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे आगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। अभी तो फिलहाल खड़े हुए हैं जाके आके, तकरीबन 9:15 हो गए हैं ईरान के मुताबिक। तो चलते हैं आगे की तरफ, खाने का इंतज़ार है दोस्तों, चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज नई सुबह हो चुकी है, मुसाफरखाने में खाने सर आए मामे रज़ा, मुसाफरखाने का नाम है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा खुदी। ये वो ऊपर तख्ती लगी हुई है बड़ी सी, तो इमाम रज़ा से मंसूब किया हुआ ये इन्होंने मुसाफरखाना। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, बेहतरीन है, अल्लाह का नाश्ता भी कर लिया हुआ है, नमाज की तैयारी है। तो माशाल्लाह सही है, देखें कितना ज़बरदस्त बड़ा सा मुसाफरखाना है और बहुत जो है ना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला की डेट में इंशाल्लाह मस्जिद के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए इन्होंने जो है ना ये लगाई हुई है पिंग, जिसको स्विंग्स कहते हैं इंग्लिश में। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें बच्चे खेल रहे हैं और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, अपनी नमाज की तैयारी है। सुबह यहाँ पर आए थे और हम जो आपकी तरफ से जो है ना सो गए थे सुबह, तो मस्जिद में ही लेट गए मैं, उसने कहा यहाँ लेट जाओ हमारे साथ आने में, तो यही पता है उसको जगह दी गई है, लेकिन वो सुबह जो ना हमें ज़बरदस्ती उठा दिया गया, उठो उठो ये मस्जिद है। फिर हमें भी बहुत अफसोस हुआ कि भाई ये मस्जिद है तो हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, ये तो मुनासिब ही नहीं है। तो इसलिए जो ना हमने वहाँ से पूछ किया, और यहाँ पर बहुत सारी जगह है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है इधर का माशाल्लाह से। दोस्तों देखें ये स्विंग्स लगी हुई हैं बच्चों के लिए, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको उससे पहले मिलेंगे, तो इंशाल्लाह मस्जिद में जाके इंशाल्लाह मिलेंगे। इस समय हम जायदान में हैं, ये रात को हम तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब यहाँ पे आए थे, अफ्तान बॉर्डर सीधा इधर आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मज़ा आ रहा है काफ़ी, ये देखें ये ईरानियों की गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर, बहुत इंजॉय है यहाँ पर। तो हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, रात को तो यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, हम तो जो है ना ब्लैंकेट ढूंढते ही रह गए थे, तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमें जो है ना ढूंढना पड़ेगा ब्लैंकेट, नहीं तो हम पहले ही इंतज़ाम करके रखते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर, ओके। तो ये देख रहे होंगे वही बिल्डिंग है जहाँ हम पहले थे, ये मुसाफरखाना है इमाम रज़ा के नाम से इन्होंने जो है ना मंसूब किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में हमारी रवानगी है मस्जिद की तरफ इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ ज़ायरीन जा रहे हैं किसी दूसरी बस में, क्योंकि पहले काफ़िला आया वह कहीं से, वो भी जा रहा है। तो अब थोड़ी देर में हम भी निकल रहे हैं इंशाल्लाह, वो खैर बात कहने वाले हैं जायदान को इंशाल्लाह, जायदान में हम मौजूद हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि मस्जिद में जा गए हैं उससे पहले, क्योंकि सफ़र लंबा है, हो सकता है पहले भी हम आपको मिल सकें, ठीक है दोस्तों, ओके जी। ये अतुल साहब हमारे साथ हैं, ये मुझे सेट कर रहे हैं, और ये देखें जी ये आप कुछ कहना कह जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं जी? ये हम मौला के सवारों को छोड़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये हम भी कुछ देर तक रवानगी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उधर जाके इनके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम जी दोस्तों, देख रहे होंगे पीछे बसेस खड़ी हैं तैयार हैं, अब हम जा रहे हैं खैर से इंशाल्लाह ताला मस्जिद की तरफ, रवानगी है हमारी तैयारी है। अब ये देखें सामान पकड़ा हुआ है और बस भी पीछे खड़ी है, और मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।
कोटा से जिस पास ने हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया था, हम वहाँ से उतर चुके हैं। वो हमें लेके आई थी जायदान, जायदान से उसने ना हमें सारा सफ़र करवाया मशहद तक। मशहद की किसी पार्किंग में उसने जो है ना पार्क किया अपनी बस, और वहाँ पे हमें उसने उतार दिया। आगे से हमने लोकल बस लिया, शहर की लोकल बस लिया। वहाँ से हम जो है ना पार्किंग से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, और आपके सामने मुलाहिज़ा फरमाइए कितनी प्यारी सड़कें हैं, साफ़ सुथरी सड़कें हैं। और इस टाइम हम जिस अंडरपास से गुजर रहे हैं, और बड़ी मज़े की बात है ये जिस अंडरपास से गुजर रहे हैं उसके ऊपर इमाम रज़ा के रोज़े के जो है ना वो हैं सहन। तो बड़ा प्यारा मंजर है, ये बहुत प्यारा मंजर लग रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इतनी देर के बाद मैं आया हूँ, लेकिन पहले इस तरह के रास्ते गए थे। अब तो बहुत फिट फाट, हर चीज़ बेहतरीन इन्होंने बना दिया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, फिर आगे जाके आपको शेयर करते हैं जहाँ ये बस पार्क होगी वहाँ से हम चलेंगे, फिर होटल पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो होटल से भी आपको जाके ना फिर आप मिलते हैं इंशाल्लाह। जी हम होटल की तरफ जा रहे हैं, सामने हमारा होटल है, इसका नाम है आलिम रान। आगे गाड़ी आ रही है, सामने हमारा होटल है, हमारे घर वाले जा रहे हैं। जी आगा जी, उस गली में मोती होटल है, ये देखेंगे, लेकिन हमने जाना है आलिम रान, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जी दोस्तों, ये हमारा होटल रहा सानिया आलम लाहौर पाकिस्तान।